हर बात में केवल जय की आकांक्षा हर किसी के मन में होती है। हम सब कुछ सोचते हैं लेकिन हारने के बारे में नहीं सोचते। जी हाँ, बिना इस बात पर विचार किए कि हम गलत हैं या सही, हमें बस जय की आवश्यकता होती है। कैसे भी मिले लेकिन जीत मिले। आज का वातावरण ही ऐसा हो गया है कि जैसे पूरा संसार केवल जय के लिए है। सबको जीत की लत सी पड़ गई है। अक्सर जीत की धुन में हम कब पथ भ्रष्ट और अधर्म के रास्ते निकल पड़ते हैं हमें पता भी नहीं चलता। आज का दौर ऐसा ही है कि किसी को भी हारने वाली संतान, मित्र या संबंधी नहीं चाहिए। लोगों को विजेता पसंद है। इस जय की दौड़ में सबसे ज्यादा क्षति पहुंचती है नैतिकता को, क्योंकि जीत के उद्देश्य में यदि सत्य की उपेक्षा होने लगे और जय को ही दृष्टि में रखा जाए तो वो जय नहीं, एक प्रकार से जोड़ तोड़ से पाई गई या खरीदी गई जीत होती है। वास्तविक जय तो वही है जहां सत्य हो। हम जीत के लिए कोशिश करें तो हमें सबसे पहले जीत की आवश्यकता और उस जीत के लिए किए गए प्रयास और उपायों पर चिंतन करना चाहिए। हम इस पर किसी भी तरह से विचार नहीं करते कि हर हाल में पाई गई जीत हमें कहां से कहां पहुंचा देती है या गिरा देती है। यदि किसी भी जय में अनीति का सहारा लिया जा रहा हो तो वो विजय नहीं, व्यापार है। झूठे गवाहों और खरीदे गए साक्ष्यों के आधार पर पाई हुई जीत को समाज भले ही जय मान ले, लेकिन जिसने ऐसी जीत पाई है वो जानता है कि उसने कैसा अधर्म किया है। इसी के साथ जो सत्य इस प्रकार जोड़ तोड़ से हार भी जाता है वो भी अपनी पराजय के कारणों को तो भली प्रकार से समझता है। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, यतो धर्म स्ततो जया, अर्थात जहां धर्म है वहीं जय है। जीत की योजना बनाते समय धर्म के मंत्र को आजमाइएगा जरूर।